नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस एक्शन में दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ नामजद FIR के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस ने क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख किसान नेता दर्शन पाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आपने ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ जो करार किया था उसके नियमों का उल्लंघन किया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि आपके खिलाफ क्यों ना कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने दर्शन पाल से नोटिस का जवाब 3 दिन में मांगा है। दिल्ली पुलिस ने दर्शन पाल को जारी नोटिस में कहा कि ट्रैक्टर परेड के दौरान बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दर्शन पाल को ये भी कहा कि लाल किले पर हुई हिंसा अत्यधिक निंदनीय और राष्ट्र विरोधी कृत्य थी, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इन सारे सवालों पर दिल्ली पुलिस ने 3 दिन के अंदर दर्शन पाल से जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली के पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि 26 जनवरी की हिंसा में किसान नेता शामिल थे और उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नोटिस में ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का भी हवाला दिया गया है। पुलिस ने पाल को दिए नोटिस में कहा है कि रैली के लिए नियमों और शर्तों पर सहमति जताने के बावजूद पाल और अन्य किसान नेताओं ने बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया। पुलिस ने क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल से ये भी कहा कि वो अपने संगठन से जुड़े दोषी लोगों के नाम बताएं जो हिंसा में शामिल थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।